ओके दोस्तों, अभी हम फेज वन में हैं और अभी हम घूम ही रहे हैं। ये आप देख सकते हो किस तरह से क्राउड है। एक नजर मारते हैं, इसका का क्राउड देखो। और ये है फेज टू जहां हमें जाना है, ऊपर इस तरफ ए पर तक। अगर आप यहां से देखोगे तो काफी स्टीप है, यहां से देख सकते हो। हाँ वहाँ पेड़ भी हो सकते हैं, तभी यहाँ पे आपको कुछ अरे इतना ही खुल रहा है भाई, भाई खुल नहीं रहे क्या? ओ दोस्तों, तो हम पहुंच गए फेज वन में। ये कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ से फेज। ओके दोस्तों, अभी हम फेज वन में हैं और अभी हम घूम ही रहे हैं। ये आप देख सकते हो किस तरह से क्राउड है। एक नजर मारते हैं, इसका क्राउड देखो। और ये है फेज टू जहां हमें जाना है, ऊपर तरफ ए पर तक। ओके तो हम जा रहे हैं, अभी थोड़ा कुछ खा लेते, भूख लगी है। और के सामने ही कुछ इटरी स्टॉल दिख रहे हैं, तो हम अभी उस तरफ ही जा रहे हैं। और ये आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे इटरी फेज वन में आते हो तो यहाँ पे हम देखते भी क्या है खाने को, और थोड़ा सा कुछ खा लेते। पेड़ में कुछ जाना चाहिए क्योंकि हमें फेस टू पे भी जाना है, तो पता नहीं कितना वक्त जाएगा आज। दोस्तों, अगर आप गुलमर्ग आते हो तो गंडोला आप जरूर करना, राइट? एटलीस्ट फेज वन तो कवर करना। क्या बोल सकते हैं, एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक बार आपको एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए इस जगह का। तो चलिए मिलते हैं, कुछ खाते हैं और मिलते जल्दी से। ये दोस्तों, तो हमारा फेज वन ऑलमोस्ट हम घूम चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सनलाइट उल्टा है तो चेहरे पे सर ब्लैक आ रहा है सब। तो हम जा रहे हैं फेज टू पे, अभी वक्त तो हो गया। ये दोस्तों, तो हम अभी जा रहे हैं फेज टू की तरफ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने नीचे से दिखा था आपको, ये फेज वन का क्राउड देखिए, काफी सारा क्राउड है। सो दिख रहा है क्योंकि ग्लास क्लीन नहीं है इतनी। अभी वक्त हो रहा है 3 बज गए दोपहर के, और इसके पहले के कुछ मौसम या ये बंद हो जाए, हमने सोचा पहले फेज टू जाके आ जाते हैं। तो देखते चले, तो अभी थोड़ा और टाइम जाएंगे हमें, क्योंकि एकदम ऊपरी की तरफ ऐसे एकदम ऊपर है वो। देख लीजिए नीचे फेज वन, यहाँ से फेज वन नीचे दिख रहा है, अभी हम जा रहे ऊपर ऊपर, काफी क्राउड है आज। ओके तो अभी आप देख सकते हैं हम जा रहे और ऊपर ऊपर ऊपर। अगर आप यहाँ से आप देखोगे तो काफी स्टीप है, यहाँ से आप देख सकते हैं तो काफी ऊपर की तरफ है। अभी सूरज भी एकदम सामने है, जैसे आप देख सकते हैं साइड में भी एक है केबल कार। मोस्टली स्कीइंग करने आते हैं यहाँ पे ये लोग, यहाँ उतर के उस तरफ से नीचे की तरफ जा रहे सब, और हम अभी तक ऊपर चढ़ ही रहे। काफी ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो हम फाइनली फेज टू भी पहुंच गए, सामने आप देख सकते हैं।
में बस ऐसे ही, ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, बट चलिए हम नीचे उतर के देखते हैं। जी दोस्तों, तो हम पहुंच गए हैं फेस टू, और ऐसा कुछ दिखता है फेस टू यहाँ से। हम जाते हैं इस तरफ, यहाँ मैं उतरता हूँ क्योंकि सीढ़ियाँ उतर के बात करते हैं। दोस्तों हम नीचे उतर चुके हैं, देखते हैं आगे की तरफ थोड़ा जाके। कुछ है कि दोस्तों, तो अभी हम फेस टू में जैसा कहा था, और ये भाई यहाँ पे गिर गए अभी। तो ऐसा कुछ है, इस तरह से पूरा सूरज आ रहा है, तो थोड़ा ब्लैक आएगा, तो मैं कैमरा घुमा लेता हूँ, अभी बेटर व्यू रहेगा। फिर आप पीछे की तरफ देखेंगे, काफी कम क्राउड है एज कम्पेयर टू फेज वन, बिकॉज अब कम लोग आते हैं, और काफ़ी अच्छा है ये, उतना क्राउडेड नहीं है जैसा फेज़ वन है। तो अगर आप कभी फेज़ वन की क्यू में अटक गए और टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो आप फेज़ टू आ सकते हैं डायरेक्टली, और फिर फेज़ टू से आप फेज़ वन में उतर के फिर फेज़ वन कर सकते हैं। तो हमारा भी कुछ ऐसे ही प्लान है, अभी हम वापस उतरेंगे फेज़ वन में, फेज़ वन में कुछ थोड़ा और शूट करेंगे, फोटो निकाल के फिर निकल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। ओके, वापस से अभी भी हम फेज टू में ही हैं। हमने सोचा था कि फेज टू जल्दी करके निकल जाएंगे, बट यहाँ पे सीन ही इतने अच्छे हैं, प्यारे, कि हम यहाँ फोटो खींचने ही लगे हैं। और आप देख सकते हो मेरे पीछे इतना प्यारा सीन है, जो हम थोड़ा नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा कुछ फोटोज खींचेंगे। और के दोस्तों, तो अभी बुलावा आया है कि बोल रहे चलो बंद हो रहा है, तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, फेस टू हमारा देख के हो गया। हाँ अच्छा अच्छा चलो हम जाते, ये है गेट, यहाँ से हम जाएंगे अभी फेज टू से उतरेंगे फेज वन में, और देखते हैं फेज वन में भी हमें कुछ चांस मिलता है, थोड़ा सा उधार रुक के फिर नीचे चले जाएंगे। तो चलिए फेज वन में मिलते हैं। के दोस्तों, तो गुलमर्ग का सफर हमारा आज यहीं तक का था, अभी हम आ चुके हैं नीचे स्लेज से। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा रूट है स्लेज से आते हो, ये घूम के आते, काफी मेहनत।